तुहर घट अंदर साहिया हर घट अंदर साहिया सुनी से जन को ओ भलिहारी बाघट करो जा घट पर घट हो। वह जो साईं है, वह जो सारी दुनिया का मसीहा है, जो सारे जगत का परवरदिगार है, वो सभी शरीरों के अंदर, सभी घटों के अंदर मौजूद है, हाजिर है। कोई भी शरीर खाली नहीं है। तुम इसके अंदर झांक करके तो देखो, प्रवेश करके तो देखो। भजन में कहते हैं कि मोए सुन सुन आवे है आसीरे पानी में मीन पिहासी मोए सुन सुन आवे आसीरे पानी में मीन पिहासी मोए सुन सुन आवे आसीरे पानी में मीन पिहासी भजन जो है परम संत कबीर साहब ने लिखा है। भजन की पहली लाइन है कि मोए सुन सुन आवे हांसी और पानी में मीन प्यास। मीन कहते हैं मछली को। हम देखो कहते हैं कि मुझे हंसी आ रही है कि मछली जो है पानी में है और प्यासी है। कितनी आश्चर्य की, अचंभे की बात। देखो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने परीक्षण किया है कि मछली जो है अपने मुंह से पानी नहीं पीती है, केवल भोजन करती है। मछली के दो पर होते हैं और पर के नीचे एक एक सुराग होता है, एक छेद किधर होता है, एक किधर होता है। जब वो पर तरसता है ऊपर को, तब उस सुराग में पानी चला जाता है। देखा होगा कई तालाब में, सरोवर में, नदी में मछली ऊपर को फदकती है। क्यों फदकती है? कि उसके पर सतर हो जाते हैं और छिद्र खुल जाते हैं, पानी चला जाता है। और मछली पानी में है, पानी अंदर नहीं जाता है, प्यासी है। ऐसे ही ये मनुष्य है, इसके अंदर वह आनंद घन परमेश्वर मौजूद है, लेकिन उसे वह मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, पानी में, पत्थर में, मंत्र में, तंत्र में, चारों तरफ उसको ढूंढ रहा है। बस तू कहीं ढूंढे, कहीं कैसे आवे हां, बस तू तवहीं पाइए जब भेदी देवे साथ। वही तो उस प्रभु को कहां देख रहा है, जहां ज्यादा भीड़ है ये सोचता है भीड़ में मिलेगा। तमाम लोग हैं, गिनती नहीं है, अच्छी व्यवस्था है,
ये सोचता है कि परमात्मा यहां जरूर है और जहां भीड़ ना है ता जगह यहां कैसे हो सके। उस परमेश्वर का संबंध भीड़ से और बिना भीड़ से संबंध नहीं है, उसका संबंध होने से है। भजन में कहते हैं मोए सुने सुने आवे, मोए सुने सुने आवे, हासी रे पानी में मीन पियासी, मोए सुने सुने आवे, हासी रे पानी में मीन पियासी, मोए सुने सुने आवे, हासी रे पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी, 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 मोए सुने सुने आवे, हाथी रे पानी में मीन पियासी, सुने सुने आवे, हाथी रे पानी में मीन पियासी। और क्या कहते हैं भजन के पहले अंतराल में, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कै मथुरा कै काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कै मथुरा कै काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके आत्मा के ज्ञान के बिना मनुष्य मथुरा काशी में, मक्का मदीना में, यरूशलेम में, अयोध्या में जगह भेज गए भटक रहा है, लेकिन वह परमेश्वर तुम्हारे अंदर में है जिसे तुम बाहर ढूंढते फिर रहे हो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कै मथुरा कै काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कै मथुरा कै काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कै मथुरा कै काशी। मृग नादि में है कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी रे मोए सुने सुने आवे, पानी में मीन पियासी, मोए सुने सुने आवे, हाथी रे पानी में मीन पियासी, मृग नादि में है कस्तूरी, मृग नादि में पल मन फिरे उदासी, सुने सुने आवे,
राम ने एक साक्षी में भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानत। दुनिया के लोग नहीं जानते हैं उस राम को अयोध्या में, काशी में, मथुरा में ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और वो राम तुम्हारे घट में शरीर में बैठा। ऐसे ही मृग की नाभि में कस्तूरी है। जब हिरण जवानी में आता है तो नाभि में जो कस्तूरी की कांट होती है उसमें छिद्र हो जाती है और खुशबू निकलने लगती है। हिरण देखता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, दौड़ता है, परेशान हो जाता है, गिर जाता है, फिर खुशबू आने लगती है, फिर भागता है। ऐसे ही वो प्रभु तुम्हारे अंदर में कहते हैं, भजन में कहते हैं, चल बेच कमल कमल बेच कलियां तापे भरम निवासी, चल बेच कमल कमल बेच कली, चल बेच कमल कमल बेच कलियां तापे भरम निवासी। शरीर जो है इसमें जल है, कई प्रकार का समुद्र है, कहते सात समुद्र घट के माई, गंगा यमुना लहर समाई। शरीर में शुद्ध जल का समुद्र, अश्रु का समुद्र, मूत्र का समुद्र, रक्त का समुद्र, बिंदु का समुद्र, पसीना का समुद्र, सात प्रकार के समुद्र है। शरीर में बारह कमल है, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक अनाद विशुद्ध व्योम, प्रकुट कमल शैतल कमल भमर गुफा सचखंड, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, और उप कमल भी है, कलियां का मतलब उप कमल, जैसे बलवान कमल दोनों नासिका के बीच में, घुटनी कमल दाहिने हृदय के नीचे। तो कहते हैं, जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापे भंवर निवास, जल बिच कमल कमल बिच कलियां ताप भंवर निवासी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां ताप भंवर निवासी। भंवर का मतलब क्या है, इन्हीं जो घोड़ा है उसमें शब्द होता है, आवाज करता है, ऐसे ही सभी कमलों पर अलग अलग आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है। कबीर साहब इशारा कर रहे हैं कि जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापे भंवर निवासी, और क्या कहते हैं, जल बिच कमल कमल बिच कलियां ताप भंवर निवासी, जल बिच कमल कमल बिच और सो मन बस तिर लोक मयो सब।
सोमर मस तीर लोक भयर सब सोमर मस तीर लोक भयर सब अरे यति यति सन्यासी रे होए सोने सोने आवे सन्यासी मन के वशीभूत हो गए मन के वश में हो गए कैसे उस प्रभु को जानेंगे जो तुम्हारे अंदर में बैठा है मोए सुने सुने आवे मोए सुने सुने आवे आती रे पाई में कोई हंस तेरे भट्ट माई अरे अलग पुरुष
भरम जाती है, सुन सुन याद है, आती है पानी
साधो कैसे शरीर सुनो भाई साधो गुरबिन भरम न बिना गुरु के खत्म नहीं होगी। जब गुरु महाराज जी तुम्हें अंदर मुख का रास्ता बताएंगे और जब अंदर में तुम्हें दीदार होगा तब तुम्हारे अंदर का भ्रम खत्म होगा। तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, यहीं पर विराम लेता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री गुरु महाराज जी की आरती कर लें और प्रसाद